यानी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट रहने की बात कही गई है। खास करके राजधानी पटना के साथ साथ सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। बिहार के सटे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश विदेश से बड़ी संख्या में मेहमानों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए बिहार पुलिस सीमावर्ती जिलों में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वाहनों की जांच तेज कर दी गई है और सभी चौकियों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख बाजार, धार्मिक स्थल के आसपास पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 22 जनवरी को राज्य के प्रमुख मंदिरों में होने वाली दीपोत्सव, शोभा यात्रा आदि कार्यक्रम को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। फेसबुक, यूट्यूब एवं ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे मैसेज और तस्वीरों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट व वीडियो को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कल यानी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खूब धूमधाम से किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और रहने को भी कहा गया है। खास करके बिहार और पटना के साथ साथ सीमावर्ती जिलों में खास करके सावधानी बरतने की कही गई है। दरअसल खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है कि बिहार के सटे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश विदेश से बड़ी संख्या में मेहमानों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए बिहार पुलिस सीमावर्ती जिलों में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। सभी चौकियों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख बाजार, धार्मिक स्थल, मंदिर के साथ साथ हर जगह पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है, क्योंकि कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दीपोत्सव, शोभा यात्रा का कार्यक्रम हर जगह होगा, जिसको लेकर पुलिस की तैनाती की गई है। क्योंकि कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जा रही है, लोग काफी धूमधाम से इसकी खुशी मना रहे हैं और हर तरफ हर मंदिर सजाए गए हैं। 7 मंदिर में पूजा की जाएगी, हर तरफ शोभा यात्रा निकलेगा, जिसको लेकर बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है और राजधानी पटना में भी हर तरफ पुलिस की पैनी नजर रखी गई है। खास करके ये बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर 24 घंटा नजर रखी जा रही है। कोई भी भड़काऊ पोस्ट, वीडियोज अगर शेयर कर रहा है, उसको तेजी से डिलीट करने का काम किया जा रहा है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, कल 22 जनवरी है, पूरे देश में खुशियां मनाई जाएंगी, हर तरफ दीप जलाए जाएंगे, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है कि कहीं से भी कुछ भी घटना ना आए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।